नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैप्पी किसानी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं एक जैविक किसान श्री अर्जुन जी पाटीदार के खेत में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक से अधिक फसलें लगी हुई है। आइए जानते हैं श्री अर्जुन जी पाटीदार से कि इस तरह की फसलें लगाने से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है और किस तरह वो इन्हें मैनेज कर रहे हैं। जी अर्जुन जी, बताइए इस तरह की फसलें जो आपने लगा रखी है, इनका किस तरह से फ़ायदा है और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये व्यावसायिक तौर पर किस तरह का फ़ायदा दे सकती है आपको? सबसे पहले तो मुख्य फसल की बात आती है, जो आप देख सकते हैं इसमें अमरूद लगा हुआ है। ये सघन बागवानी के अंतर्गत लगाया गया है, 3x6 मीटर। जी ठीक है, तो ये हमारी मुख्य फसल अमरूद हो गई है। अब अमरूद अभी फल नहीं दे रही है, बाकी जगह खाली पड़ी हुई है पूरी खेत में। पानी इसको देना है, दूसरी फसलों को भी देना है, जगह खाली भी रह रही। तो इसके लिए हमने सहायक फसलों को चयन इस प्रकार से किया है जिससे किसान को रोज़ कुछ ना कुछ इनकम मिले। उसको जितना खर्च रोज होता है खेत में, उतनी इनकम रोज उसके हाथ में होना चाहिए। इसके लिए हमने बॉर्डर फसलें तय की पहले। तो बॉर्डर फसलों के रूप में आप देख सकते हैं, सबसे पहले संतरा लगा हुआ है जो बहुवर्षीय है। संतरे के बाद में इसमें बॉर्डर फसल के रूप में पपीता लगाया गया है। पपीता की ये देसी वैरायटी है क्योंकि इसका न्यूट्रिशन जो होता है वो कम होता है, बहुत कम डिमांड होती है न्यूट्रिशन की। जी हाइब्रिड या दूसरी फसलें लेते हैं तो उनकी पूर्ति ज़्यादा करना होती है, और ये संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में जब फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आती है तब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस समय पोषण कम मिलता है इनको तो ये उत्पादन गिरा देती है। लेकिन दूसरी तरफ देसी वैरायटियों में ये नहीं होता है, देसी वैरायटियों में उत्पादन का ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता है। इसके बाद में एक ही कुल की, एक ही प्रकार की, एक फसल के साथ में अन्य फसलें नहीं हैं। जैसे कि बेल वाली फसल है तो एक प्रकार की है, पपीता अलग वैरायटी हो जाता है। साथ में सब्जी वर्गी लगी हुई है इसमें सारी। तो आप देखेंगे एक लाइन पपीते की हो गई, दूसरी लाइन में करेला हो गया इसका, अब तीसरी लाइन के तौर पे जब जगह खाली है तो इसमें गोभी आ गई है। गोभी के बाद में आप देख रहे हैं इसमें एक एक लाइन प्याज की लगी हुई है पूरी। अब प्याज ये बीच में चार फसलें हो गई। अब चार फसलों से फायदा ये है कि अपनी मुख्य फसल जब तक आएगी तब तक रोज का ये अपने को इनकम दे रही है। जी ठीक है, अगली फसल अब इसमें नजर आए आपको गेंदा, पूरे खेत में एक एक लाइन गेंदे की नजर आ रही है। अब गेंदा दो प्रकार का काम आ रहा है हमारे, दो प्रकार का मतलब ये है कि इसमें निमेटोड लगता है अमरूद में जी जड़ों में, तो निमेटोड कंट्रोल के लिए गेंदे की जड़ें एक स्त्राव करती है, केमिकल छोड़ती है जो निमेटोड रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो एक तो सूत्रकृमि को रोकने के लिए, निमेटोड के लिए इसकी जड़ें काम आ रही है। जी हाँ। दूसरा इस पे मित्र कीट पलते हैं, इन पे जितने भी मित्र कीट होते हैं वो अपना आशियाना इन्हीं पर बनाते हैं, फूलों पर अधिकांश। मतलब ये मुख्य फसल के लिए ट्रैप क्रॉप का काम कर रही है। ट्रैप क्रॉप भी है, और तीसरा ये है कि इसके पत्तियों से और इनसे कीटनाशक बनाने का काम भी किया जाता है। अब एक काम और ये हो रहा है इनमें, अभी त्योहार की सीजन चल रही है। जी हाँ। किसान को रोज पिस्ता चाहिए, तो आप देख रहे हैं अभी रोज फूलों की तुड़ाई चलती है। इनसे नवरात्रि में 9 दिन अभी चलता है फूल, इससे पहले 11 दिन गणेश उत्सव में चलता है, अभी दीपावली आने वाली है तो ये 10-20 दिन बाद सारे फूल दीपावली पे चले जाएंगे। तो अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम इन्हीं फूलों से मिल जाती है। मतलब मुख्य फसल के अलावा गेंदा जो है वो हमारे अतिरिक्त आय का सोर्स है। बिल्कुल है, क्योंकि मुख्य फसल अभी आपके 2 साल लगेंगे उसको फल देने में, तब तक किसान को रोज इनकम कहाँ से आए, इसका बढ़िया जरिया है अलग अलग फसल लगाई जाए इसके साथ में।
अब इसमें आप देखेंगे तो लगभग 13 फसलें अभी लगी हुई हैं, और इसमें अभी 2 फसलें और लगाना बाकी हैं, चुकंदर और स्वीट कॉर्न। ये 2 फसलें अभी लगेंगी क्योंकि इनका सीजन अब चालू हुआ है। तो कुल मिलाकर इस खेत में आपको नज़र आ रहा है ये लगभग 1 एकड़ से थोड़ा कम है, इसमें लगभग 15 फसलें हो जाएगी। और 15 ही ऐसी फसलें हैं जो किसान को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध करवा रही है। बिल्कुल जी, और ये रोज इनकम देने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे तो अगली लाइनों में उधर बता देता हूँ, साथ में तिरोई, तो ये सभी रोज इनकम देने वाली हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें।